हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एसएमआर में। दोस्तों, ये टेक्नो का फोन है, टेक्नो का आपका कोई भी फोन हो दोस्तों, यदि इसमें पैटर्न लॉक पिन कोड पासवर्ड लग गया है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। और यहाँ पे देखिए, आपको रिकवरी मोड में ले जाने के लिए आपको क्या करना है, पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन, यानी वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम बढ़ाने वाला बटन और पावर बटन, दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करोगे तो आपका जो है रिकवरी मोड में चला जाएगा। थोड़ा टाइम तक आपको प्रेस करके रखना है दोस्तों, और आपका फ़ोन जो है रिबूट होगा, रिस्टार्ट होगा और जो है रिकवरी मोड में चला जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा टाइम तक आप और प्रेस करके रखोगे दोस्तों, तो जब आपका जो है टेक्नो का लोगो आ जाएगा तो आप पावर बटन को छोड़ दोगे और वॉल्यूम अप बटन को, प्लस बटन को जो है वॉल्यूम बढ़ाने वाले बटन को प्रेस करके रखे रहोगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो है रिकवरी मोड में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पावर बटन और जो है वॉल्यूम अप बटन, दोनों बटन को एक साथ प्रेस करोगे। उसके बाद आपको डाउन बटन से नीचे जाना है, नीचे जाओगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट पर जाओगे, फैक्ट्री डाटा रिसेट पर जाओगे और प्रेस पावर बटन को प्रेस कर दोगे तो यहाँ पे आपका जो है डाटा जो है सारा फॉर्मेट हो जाएगा और आपका जो है मोबाइल का लॉक खुल जाएगा, पिन कोड पासवर्ड जो है रिमूव हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा दोस्तों। अब अनलॉक होने के बाद एक दिक्कत और होती है, यहाँ पे देखिए रिबूट सिस्टम नाउ पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप पावर बटन को प्रेस कर दोगे, उसके बाद आपका मोबाइल जो है रिबूट होगा, रिस्टार्ट होगा और आपके मोबाइल में जो भी डाटा है, पिन कोड पासवर्ड पैटर्न लॉक जो भी लगा हुआ है सब रिमूव हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा दोस्तों। इसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर है, फोटो, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम यहाँ पे आप वेट कर लेना। ये फ़ोन मतलब रिबूट हो रहा है, रिस्टार्ट हो रहा है। यदि आप अपने टेक्नो मोबाइल में पिन कोड पैटर्न लॉक पासवर्ड डाल के भूल गए हैं तो आप जो है इस ट्रिक का जरूर एक बार इस्तेमाल कीजिए। आपको इसके लिए आपको क्या करना है, आपका फ़ोन ऑन रहेगा तब भी आपको जो है वॉल्यूम अप बटन और जो है पावर बटन, दोनों बटन को आपको लगभग 10 से 15 सेकंड तक प्रेस करके रखोगे। उसके बाद आपका जो है टेक्नो का लोगो आएगा तो आपको जो है पावर बटन छोड़ देना है और वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करके रखना है। उसके बाद जो है रिकवरी मोड में चला जाएगा। उसके बाद वहाँ पर आपको जो है यहाँ से देखिए अब ये थोड़े टाइम में खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट, स्टार्ट पे हम क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक, अभी जो है ये हमारा एफआरपी मांगेगा, गूगल अकाउंट मांगेगा दोस्तों, इसे भी मैं बाईपास करने का इसी वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, तो वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर बने रहना। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, कंट्री चूज़ करके यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वाईफाई मांगेगा, तो चलिए यहाँ पे सिम लगा हुआ है तो सिम से हम पहले कनेक्ट करके आपको दिखा रहे हैं कि इसमें जीमेल आईडी मांग रहा है या नहीं मांग रहा है दोस्तों। यदि आपके मोबाइल में जीमेल आईडी मांगता है तो आप जीमेल आईडी कैसे बाईपास करोगे, और आपका तो पैटर्न लॉक पता नहीं है, पैटर्न लॉक भूल गए थे तो आपने हार्ड रीसेट किया, हार्ड रीसेट करने के बाद आपका जो है पैटर्न लॉक और जो है जीमेल आईडी मांगेगा। और यदि आपको इसमें से कोई भी पता है तो आप खोल सकते हो, और नहीं पता है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा टाइम यहाँ पर भी लगेगा, थोड़ा टाइम यहाँ पर वेट कर लेना। उसके बाद हमारा जो है जीमेल आईडी मांगेगा, तो यदि आपको इस मोबाइल का जीमेल आईडी पता है तो आप यहाँ पे जीमेल आईडी अपना डाल के जो है ओके कर सकते हो, अगर जो नहीं पता है तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यहाँ से डू नॉट कॉपी करेंगे, जस्ट ए सेकंड, थोड़ा टाइम लगेगा। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या मांग रहा है। यहाँ पे एक खास बात और आपको बताऊँगा, यहाँ पे देखिए पैटर्न लॉक मांग रहा है और यहाँ पे जीमेल आईडी मांग रहा है, यहाँ पे आपका दोनों मांग रहा है। यहाँ पे एन हमने पैटर्न डाला तो नहीं खुला दोस्तों, और यहाँ पे जीमेल आईडी पे जब ओके किया तो यहाँ पे जीमेल आईडी मांग रहा है, तो ना तो इसका हमें पैटर्न लॉक पता है ना तो जीमेल पता है। और ख़ास बात यह है कि दोस्तों, यदि आपका जीमेल आईडी और पैटर्न लॉक या पिन कोड पासवर्ड एक साथ मांगता है तो आपको ये ट्रिक हर टेक्नो मोबाइल में जो है काम आएगा दोस्तों, हर एक फ़ोन में लगभग काम आएगा यदि आपका जो है एक साथ मांग रहा है। तो यहाँ पे तो चलिए सबसे पहले हिंदी भाषा चूज़ कर लेंगे, उसके बाद शुरू करें पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ से आगे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे चलिए सब हम वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हैं। यदि आपके फ़ोन में मतलब जीमेल आईडी और पासवर्ड एक साथ मांग रहा है तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ईजी है दोस्तों। यहाँ से चलिए हमने सबसे पहले वाईफाई को कनेक्ट कर लिया, और वाईफाई कनेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लिखा होगा नेटवर्क जोड़े, नेटवर्क जोड़े पर आपको ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ जो ये बना है भाषा वाला, इस पर आप थोड़ा देर क्लिक करोगे, उसके बाद भाषा सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद सबसे नीचे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ से आप नीचे जाओगे, नीचे जाओगे तो यहाँ पे एक तीर का निशान बना होगा, ये देखिए तीर वाला निशान, इस पर ओके करोगे। उसके बाद यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करके सहायता और फीडबैक पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों डिलीट, डी ई एल लिखोगे तो आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर डी ई एल लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा डिलीट और डिसेबल आ गया। इसके बाद यहाँ पे हमारा सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन सेटिंग, इस पर ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारा सारा ऐप्स जो है ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें सबसे नीचे जाना है यूट्यूब पर, तो यहाँ पे हम चले जाएंगे यूट्यूब पर। यूट्यूब पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा होगा खोलें, यहाँ किनारे पर खोले पर ओके करेंगे तो हमारा यहाँ से यूट्यूब जो है ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आदमी वाले आइकन पर हमें क्लिक करना है, आदमी वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ सेटिंग पर क्लिक करना है, उसके बाद इतिहास और इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सबसे नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत ही इजी ट्रिक है दोस्तों। तो यहाँ पे जब आपका क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको सर्च करना है एफआरपी फाइल,
बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। यहाँ पे कोई ऐप्स नहीं लोड करना है, तो यहाँ पे FRP फाइल जो है लिखेंगे, FRP फाइल बाईपास, तो यहाँ पे आपको जो है ओपन हो जाएगा। और सबसे पहले वाले लिंक पे जो हम ओके कर देंगे, यहाँ पे सबसे पहले वाले लिंक पे हम जो ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है खुल जाएगा। अब थोड़ा नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे हम सेटिंग पे जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे पैटर्न लॉक मांगा है, तो यहाँ से हम चलिए पैटर्न लॉक डाल लेते हैं। यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ से फिर नेक्स्ट कर देंगे। हमने यन पैटर्न लॉक डाला, इसके बाद जी हाँ यहाँ पे कर देंगे, उसके बाद ठीक है। यहाँ पे सबसे ऊपर भी लिखा हुआ है सेट लॉक स्क्रीन, यहाँ पे सेट लॉक स्क्रीन लिखा हुआ है, तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। और सेटिंग पे जाएंगे तो वहाँ अंदर से जाके भी सिक्योरिटी में अब जो है अपने मोबाइल में पैटर्न लॉक डाल देना, उसके बाद अपने मोबाइल को जो है रिबूट कर देना, रिस्टार्ट कर देना दोस्तों। दो तरीके से आपको सेटिंग में जाके मतलब आपको पैटर्न लॉक लगाना है अपने मोबाइल में, या तो ऊपर लिखा रहता है सेट पैटर्न लॉक, तो वहाँ से भी जाके आपको पैटर्न लॉक या पिन कोड पासवर्ड डालना है दोस्तों। अब ध्यान देना है, आप जो पिन कोड पैटर्न लॉक पासवर्ड डाले हो दोस्तों उसे ध्यान देना है, और आपका जो मोबाइल रिबूट करोगे रिस्टार्ट करोगे उसके बाद आपका जो है पैटर्न लॉक मांगेगा दोस्तों। तो आप जो पिन कोड या पैटर्न लॉक डालते हो वही आपका मांगता है, और वही आप डाल दोगे तो आपका जो है गूगल अकाउंट स्किप का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो में बने रहिए, अभी आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन जो है रिबूट हो रहा है, रिस्टार्ट हो रहा है दोस्तों। तो चलिए यदि जब तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल पर नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन जो है रिबूट हो रहा है, रिस्टार्ट हो रहा है। ये टेक्नो मोबाइल के लिए बहुत ही इजी ट्रिक है दोस्तों, यदि आपका पैटर्न लॉक और जीमेल आईडी मांगता है। देखिए यहाँ पे जो है हमने जो अंदर यन बनाया था पैटर्न लॉक, वही यहाँ पे बना देंगे, तो ये हमारा खुल गया। उसके बाद हम चलिए इसको इंग्लिश में सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर इसको इंग्लिश कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर चलिए दोस्तों यहाँ पर वाईफाई मतलब हमारा जो कनेक्ट नहीं हो रहा है तो इसको हम फॉरगेट करेंगे, और फॉरगेट करके जो है फिर से हम कनेक्ट करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमने मतलब मान लिया इसमें सिम लगा हुआ है, तो मैं इस प्रकार से कर रहा हूँ। चलिए आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ बैक करके जो है, बैक करके दिखा देता हूँ। जब मान लीजिए आपके मोबाइल में सिम ना लगा हुआ तो यहाँ पे आप जो है जो वाईफाई कनेक्ट किए थे वो डिसकनेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर आप फॉरगेट कर लेंगे। फॉरगेट करने के बाद दोस्तों फिर से आपको कनेक्ट करना है, तो आप जो है अपना पासवर्ड डाल के जो है फिर से वाईफाई को कनेक्ट कर लेंगे फॉरगेट करके। तो यहाँ पे चलिए हमने जो है अपना पासवर्ड डाल के वाईफाई को कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको आगे प्रोसेस बता रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। और चेकिंग फॉर अपडेट, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम यहाँ पे आप वेट कर लेना। उसके बाद हमारा दोस्तों फिर पैटर्न लॉक मांगेगा, तो पैटर्न लॉक हमने जो अंदर डाला था वही पैटर्न लॉक यहाँ पर डालना है दोस्तों। उसके बाद गूगल अकाउंट पर हमारा जो है स्किप का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर देखिए जस्ट 1 सेकंड का मतलब आ गया, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद चेकिंग इन्फो, यहाँ पे देखिए पैटर्न लॉक मांग रहा था। अब हमने जो अंदर जाके पैटर्न लॉक डाला था यही पैटर्न लॉक यहाँ पे यन डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा देर चेकिंग करेगा, और उसके बाद जीमेल आईडी के ऑप्शन की जगह पे मतलब हमारा जो है स्किप का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए थोड़ा टाइम में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए स्किप का ऑप्शन आ गया। तो चलिए यहाँ से हम स्किप कर देते हैं, बस यही इतना करना था। आप जो है अपने मोबाइल को बहुत ही ईजी प्रकार से मतलब बहुत ही आसान तरीके से जो है गूगल अकाउंट बाईपास कर सकते हो, आप अपने मोबाइल का पैटर्न लॉक पिन कोड पासवर्ड रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे, चलिए थोड़ा समय और लगेगा आपका, थोड़ा समय आप और वीडियो को देख लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से चलिए नेक्स्ट कर देते हैं, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? यदि आपके मोबाइल का जो है पिन कोड पासवर्ड और गूगल अकाउंट जो है नहीं पता है तो इस वीडियो को आप देख कर जो है अपना रिमूव कर सकते हैं, और यदि आपका रिमूव हो गया है, आपका मोबाइल खुल गया है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ऐसे वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।